गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन दो प्याजा। तो चलिए गाइज, मैंने सारी चीजें पहले ही रेडी करके रखी हूँ, तो मैं बनाने वाली थी, तो मैं सोचा आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए गाइज, एकदम इजी स्टाइल में बनाते हैं चिकन दो प्याजा। चिकन दो प्याजा के लिए मैंने ली हूँ 1 किलो चिकन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्रेन करके रखी हूँ। और यहाँ पर हमें लगेगा दही, मतलब ये 20 रुपीज़ का है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया जो गार्निशिंग के लिए हमें लगेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट और सौंफ और अखा जो धनिया होता है ना, उसे ऐसा दरदरा कूट के हमें लेना है। और ये 1 नींबू का जूस है। और यहाँ पर है टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च, इसकी मैंने प्यूरी बना के ली। और मैंने ली हूँ 1 कप जितना ऑयल। और यहाँ मैंने ली हूँ 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट करके ली। और है इस तरीके से प्याज को कट करके इस तरीके से, और शिमला मिर्च को भी हमें वैसे ही कट करना है, और टमाटर को भी, टमाटर और शिमला मिर्च के बीच को हमें साइड में करके इसको इस तरीके से कट करके लेना है। और यहाँ पर हम लेंगे हमारे अक्के खड़े गरम मसाले, जिसमें हमने लिए है बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, और ये है शाहजीरा, और 6-7 लौंग, यहाँ पर तेज पत्ते भी लिए हमने, और थोड़ा सा जीरा, और 2 दालचीनी के टुकड़े। और गाइज मेरे पास में ना ब्लैक पेपर अवेलेबल नहीं थी, इसके लिए मैं ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1 चुटकी भर के या फिर 2 चुटकी भर के समझ लो। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं लाल मिर्ची पाउडर, जो तीखी वाली होती है ना वो। तो चलिए गाइज रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला बोल के। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम करते हैं चिकन को मैरिनेट। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। ये 1 किलो है ना, इसलिए 1 चम्मच ले रही हूँ। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ना ये 1 नींबू का जूस है, तो इसमें हम आधा ऐड करेंगे और आधा रखेंगे बचा के, हम बाद में यूज़ करेंगे इसको। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अभी इसे अच्छे से अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो देखो मैंने अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करके ली हूँ, अभी हमें इसे रखना है 15 मिनट के लिए। तो चलिए, तो गाइज अभी मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखी हूँ, और अब हम आगे रेसिपी में बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारे चिकन दो प्याजा की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर बर्तन चढ़ा दी हूँ, और उसमें मैंने 1 कप जितना ऑयल डाल दी। अभी वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम उसमें ऐड करेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे हमारे गरम मसाले। तो तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा और हरी वाली इलायची और शाहजीरा भी। तो जो मैंने अक्खी खड़े गरम मसाले थे वो सारे ली, और सिर्फ ये जो पाउडर था ना ये नहीं डाली हूँ। अगर आपके पास अक्खी ब्लैक पेपर है, काली मिरी है, तो आप उसमें डाल दें, क्योंकि तो ये पाउडर है, इसलिए मैं इसे बाद में ऐड करूँगी। तो हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये हमारी प्याज। और हमें हमारी प्याज को ना अच्छे से फ्राई करना है। हम दो प्याज, हमें जितनी ज्यादा प्याज यूज करेंगे ना, मतलब ग्रेवी के हिसाब से ही, तो अच्छी ग्रेवी बनती है। तो देखिए गाइस, थोड़ी सी मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई करी, और अब हम इसे 5 मिनट ना ढक के फ्राई करेंगे, ताकि जो प्याज है अच्छे से गल जाए इसके लिए।
तो देखिए गाइस, अभी हमारा जब तक प्याज फ्राई होती है तब तक मैंने ना ये दही को फेंट के ली हूँ, और उसका फेंटेंगे ना तो दही हमारा फटेगा नहीं ग्रेवी में, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके लिए हमें दही को अच्छे से फेंटना है। तो देखिए हमारा जो दही है वो अच्छे से फेंट के हो गया, और यहाँ पर तो ये देखिए हमारी प्याज ना एकदम अच्छे से फ्राई हो रही है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चिकन को मैरिनेट करे थे ना वो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें चिकन को ना अच्छे से भूनना है, जब तक कि चिकन का पानी सूख नहीं जाता तब तक हमें इसे भूनना है, तो चिकन का जो टेस्ट है ना एकदम अच्छा आएगा। और मैंने इसमें नमक वगैरह तो पहले ही ऐड करी थी ना मैरिनेशन के टाइम में इसके लिए, और जब जितना हम इसे भूनेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम सबसे पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसका पानी नहीं सूखता तब तक। तो देखिए गाइस, मैंने ना चिकन को अच्छे से भून के ली, मतलब इसमें मैंने थोड़ा भी एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करी हूँ, जो चिकन का जो पानी था चिकन ने छोड़ा हुआ वही पानी है। और ये अच्छे से अभी भुन चुका है, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर जो हमने रखे थे वो वाला, और ये टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी है, इसे भी हमें इसमें अभी ऐड करना है। और फिर हम ऐड करेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली मिर्ची है। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें ये जो मैंने फेंट के रखी हूँ ना दही, ये दही हम इसमें ऐड करेंगे। तो दही को अच्छे से फेंटेंगे तो दही एकदम अच्छे से मिक्स होएगा, नहीं तो दही अंदर ग्रेवी में फट जाता है इसके लिए। और अभी मैं इसे अच्छे से भूनती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, अच्छे से मसाले को भी भून लेंगे। और मैंने इसमें ना नमक अभी ऐड नहीं करी हूँ, जो मैंने नमक पहले जो चिकन में मिक्स किया हुआ था ना वही है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये अखा धनिया और सौंफ। सौंफ को मैंने ना दरदरा कूट के जो ली थी ना वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस, हमें मसाले को ना अच्छे से भूनने देना है एकदम मस्त, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है पूछो ही मत। और मैंने ना इसमें ना कोई भी मतलब इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं की, अगर आपके पास में हो तो आप यूज़ कर सकते, मैंने सिर्फ लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करी हूँ इसके लिए। और अभी हमें मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। तो देखिए गाइज, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को।
और जैसे ही हमने इसमें सारी चीज़ें मिक्स करी ना, फिर इसे अच्छे से भून लेना है एक बार और पकने देना है। और देखो चिकन एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसका लुक भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए गाइस चिकन दो प्याज़ा बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। और ना गैस की फ्लेम को करते हैं बंद अभी। ये देखो कितना अच्छा लुक लग रहा है इसका। देखिए हमारा गर्मा गर्म चिकन दो प्याज़ा बनके तैयार है, एकदम मज़ेदार। और हम इसे पराठे के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं, और राइस के साथ में भी। तो अभी मैं आपको ये चेक करके बताती हूँ। तो देखिए गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक अच्छे से ब्लॉग, एक अच्छे से रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।